हेलो फ्रेंड, आप सभी को नमस्कार। अभी स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड, आज हम आपके सामने एसएससी सीजीएल की जो थर्ड शिफ्ट के जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन है वो हम आपके सामने डिस्कस करने जा रहे हैं। यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन को आप प्रेस कर लें जिससे टाइम टू टाइम आपको न्यू अपडेट मिल सके। इसी के साथ फ्रेंड, टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिएगा। अभी स्टडी आईक्यू से हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, ऑल गवर्नमेंट जॉब अभी स्टडी आईक्यू से आप टेलीग्राम ग्रुप है, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको टाइम टाइम गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, नर्सिंग डे किसके जन्म पर मनाया जाता है? नर्सिंग डे मनाया जाता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्मदिन पर मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, श्रीलंका का लार्जेस्ट सिटी कौन सा है? श्रीलंका का लार्जेस्ट सिटी कोलंबो है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, एक हॉर्स पावर होता है 746 वाट। ठीक है, आप सभी लोग जानते होंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन देखिए, बीसीसीआई का सेक्रेटरी कौन है? बीसीसीआई का सेक्रेटरी अमित शाह के बेटे जैसा है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, आप इनको देख लीजिएगा, आगे वाले एग्जाम में आपको इंपॉर्टेंट है। आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला क्वेश्चन देखिए, श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन है। अगला क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर का लूसीफर प्लांट संबंधित है, डेमोनोलॉजी से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, गुप्त वंश का आखिरी शासक कौन है? गुप्त वंश का आखिरी शासक विष्णुगुप्त है। ठीक है, इसके साथ ही मगध साम्राज्य से क्वेश्चन आया था, तो मगध साम्राज्य से सबसे अधिक शासनकाल किसने किया या ऐसा कुछ क्वेश्चन था, तो ये बिंबिसार इसका आंसर है। ठीक है, उसके साथ ही अगला क्वेश्चन देखिए, नवंबर 2019 में भूटान के प्रधानमंत्री कौन बने? ये बने हैं लोटो शेरिंग। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, इकोनॉमिक सर्वे किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? ये वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, थाईलैंड के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? यह है प्रयुत चैन ओचा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, वेन हिनसांग किसके शासन काल में आया था? यह हर्षवर्धन के काल में आया था। इसके साथ अगला क्वेश्चन देखिए, 13वां क्वेश्चन, किस भारतीय को प्रथम अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी महासंघ ब्लू क्रॉस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? यह है अभिनव बिंद्रा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। इसके साथ ही आगे देखिए, किबूती चावल की एक है ब्रांड है, तो ये इंडिया में अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। और इंडिया से पहले यदि इंडिया के ऑप्शंस में नहीं थे, स्टूडेंट ने बताया कि किबूती चावल से संबंधित आई है, तो ये तिब्बती ब्रांड है, तो अरुणाचल प्रदेश इंडिया की तरफ से है। यदि ऐसा आया तो तिब्बती हो गया। ठीक है, तिब्बत हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, यांगजे नदी के किनारे बसा हुआ शहर कौन सा है? यह संघाई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, कौन हमारे कान पर एक कौन सी झिल्ली या कुछ है जो कान पर समान दबाव है ये यहाँ पर, ठीक है, बनाए रखने में मदद करता है, तो इसका आंसर आप देख लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 17वां क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? ये हेनरी बेकरेल ने की थी। ठीक है, उसके साथ क्वेश्चन नंबर 18, कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो ये म्यांमार है, तो आप इसका मुख्यालय देख के जाइए। इसके साथ एक क्वेश्चन पूछा गया था कि आपका एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन था, और मगध साम्राज्य से आप देख लीजिएगा लास्ट रूलर कौन है, और इस तरह के क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। इसके साथ ही आप चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम अगली जो भी एग्जाम होगी, आगे वाले जो भी 4 तारीख को होंगे आपके, उनके पूरे क्वेश्चन हम आपके सामने डिस्कस करेंगे। जो भी क्वेश्चन यहाँ पे आए हुए हैं फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट थर्ड शिफ्ट की, तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए। आपको यहाँ चैनल पर कोई गलत तरीके के क्वेश्चन नहीं बताए जाएंगे, आपकी जो शिफ्ट में आए हैं वही क्वेश्चन आपके बताए जाएंगे। थैंक यू फ्रेंड।